जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 26 में आप सभी का स्वागत है। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स बीटेक वाले भी देख सकते हैं, बीई वाले भी देख सकते हैं, और पेपर नंबर 6 है और यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत यूज़फुल होने वाली है। और हम लोग रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो पढ़ रहे हैं। रेसिड्यू क्लासेस मॉडलो में एक और टॉपिक आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, है ना। लेक्चर नंबर 26 में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से दो या तीन रेसिड्यू क्लासेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जनरली हम लोग अभी तो दो को देखेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये दो होगा एक, मतलब R1 R2, जैसे R1 R2 R3 तीन रेसिड्यू क्लासेस का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो पहले R1 R2 का देख लेंगे, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको एक रिजल्ट क्या है। अब फिर R3 को हम उसके साथ करके फिर R1 R2 का एक रिज़ल्ट और R3 का एक रिज़ल्ट दोनों का फिर करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, है ना। अभी तो चलिए इन्हीं दोनों का देखिए ना, वही काफ़ी है। देखिए, मान लीजिए R1 और R2 दो रेसिड्यू क्लासेस हैं, इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर R1 और R2 का मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिज़ल्ट है अगर लेस देन m आता है तो उस केस में R1 और R2 का रेसिड्यू क्लास R1 और R2 रेसिड्यू क्लास हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे दिखाया गया, अगर ये लेस देन हुआ तो ये ऐसा होगा। अगर R1 और R2 का वैल्यू बाई चानस अगर m आया या फिर m से बड़ा आया तो उस केस में R1 और R2 का वैल्यू k के बराबर होगा, और वेयर, जहाँ पर k क्या है, k इज़ रिमाइंडर, है ना। इफ R1 एंड R2 इज डिवाइड्स बाय m, अगर R1 इंटू R2, है ना, डिवाइड हो जाता है m से, तो उस केस का बात किया जा रहा है। हालांकि इसका मैं एग्जांपल दूंगा, है ना, तो आपको समझ में अच्छा सा आएगा, जैसे एडिशन वाला में दिया था। तो R1 एंड R2 अगर मान लीजिए डिवाइड हो जाता है m से, तो उस केस में जो रिमाइंडर k बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर R1 और R2 ग्रेटर देन और इक्वल टू m है तो, है ना, अगर इक्वल टू है या फिर ग्रेटर देन तो उस केस का बात है, है ना, ग्रेटर और इक्वल का बात है। अब देखिए, इसका एग्जांपल मैं दूंगा, चिंता नहीं है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखना जरूरी है। जैसे मॉडुलो सिस्टम, मॉडुलो सिस्टम में अभी हम लोग देखें कि एडिशन मॉडुलो m और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m, तो एडिशन मॉडुलो m देखने वाले हैं और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो m देखने वाले हैं। देखिए, एडिशन मॉडुलो m पहले देखते हैं, a एडिशन मॉडुलो m b, है ना, तो वेयर m इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो एंड a और b जो है कि इंटीजर है, और a एडिशन मॉडुलो m b इक्वल टू r, ये r होगा, ये r के बराबर होता है, a एडिशन मॉडुलो m b इक्वल टू r के बराबर होता है। वेयर, जहाँ पर r इज़ द रिमाइंडर, r क्या होगा, रिमाइंडर होगा When a plus b is divided by b, a plus b क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा m से, a plus b क्या होगा, डिवाइडेड बाई m, वो m से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, इस पर बेस्ड देखिए एग्जाम्पल, 7 plus 3 मॉडलो एडिशन मॉडलो 3, 7 एडिशन मॉडलो 3 और ये 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हेयर 3 इज द एडिशन मॉडलो। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, 7 3 को जोड़ देना, डिवाइड करना 3 से, मतलब 3 डिवाइड्स बाई 3, तो 3 3 जा 9 और नीचे में 1 बचा, तो वही उसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वही रिजल्ट होगा। 8 और 11 को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो यानी कि 19, और ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 18 और 1 बचा, ये इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 2। 8 और 10 18 और नीचे में 3 है, डिवाइड करो भाई, तो 0 रिमाइंडर बचेगा, वही उसका आंसर। अब आगे है कि -3 है और एडिशन मॉडुलो 4 है और 5 है, तो -3 + 5 डिवाइड करेंगे 4 से, तो ऊपर में 2 और नीचे में 4, तो जब कुछ नहीं बचता है, जैसे कि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, है ना, 4 से 2 को कैसे काटेंगे, तो इसीलिए जो बचेगा 2 वही ऊपर में जो बचेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आगे देखिए,
ए एडिशन मोडलो एम, इससे निष्कर्ष ये निकला, हेंस ए एडिशन मोडलो एम बी इक्वल टू आर अगर रहे तो उस समय रिमाइंडर क्या क्या होगा, लेस देन एम होगा और जीरो से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एडिशन मोडलो एन बी, एम के जगह पर मैंने एम कर दी, एन कर दिया, एम के जगह पर एन कर दिया, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई एन होगा, तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आर के बराबर उसका रिजल्ट होगा, और ये रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन एम होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। डेट्स ऑल। अब स्टार्ट होगा मल्टीप्लीकेशन मोडलो एम, ए मल्टीप्लीकेशन मोडलो एम ए मल्टीप्लीकेशन मोडलो एम बी, तो ए इंटू बी करेंगे डिवाइड बाई एम करेंगे, जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर का वही उसका आंसर हो जाएगा टोटल का, टोटल का, जहाँ पर आर क्या है, लेस देन एम है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जैसे सात इंटू पाँच किया जाए, और सात मोडलो पाँच चार किया जाए तो क्या होगा, सात इंटू चार अपॉन में पाँच, अट्ठाईस बाई पाँच, मतलब डिवाइड करेंगे तो नीचे में रिमाइंडर तीन आ जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा तीन। तो ए मल्टीप्लीकेटिव मोडलो एम बी रहे तो उसका आंसर क्या होगा, आर के बराबर होगा, और जहाँ पर आर क्या है, लेस देन एम होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। चलिए तो ये जो है कि ख़त्म हो गया, ये तो समाप्त हो गया, लेकिन मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का एग्ज़ाम्पल नहीं दिया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम्पल नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। आइए मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लास, अरे बाबू इसमें कुछ नहीं है, ठीक है आप एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लो ना अपने से, है ना, ऐसे पाँच का ही ले लो, चलो हटाओ पाँच का ही ले लो, है ना, पाँच का ही ले लो, तो मोडलो पाँच का ही ले लो, तो क्या होगा, मोडलो पाँच का रेसिड्यू क्लासेस 0, 1, 2, 3, 4, है ना, तो मान लेते हैं कि आर का आर वन का वैल्यू जीरो ले लिया और आर टू का वैल्यू वन ले लिया, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, जीरो आएगा, लेस देन एम है, मतलब फाइव से छोटा है, तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि जीरो का एडिशन, जीरो का एक रेसिड्यू क्लास ले लिया और फिर आर टू के जगह पर वन का एक रेसिड्यू क्लास ले लिया, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो के रेसिड्यू क्लास के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जस्ट मैं आपको इमेजिन करने बोल रहा हूँ कि R1 के जगह पर 2 ले लीजिए और क्योंकि ले सकता हूँ क्योंकि पांच मॉडलों में 2 भी आता है रेसिड्यू क्लास और आपका 3 भी आता है, तो मैं R1 की जगह पर 2 ले लीजिए और R2 की जगह पर 3 ले लीजिए, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और वो 6 क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में K रिमाइंडर उसका वैल्यू आंसर होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, तो आप देखिए 6 हुआ, अब उसको 5 से डिवाइड दीजिए, 5 × 5 रिमाइंडर कितना बचा, 1, तो वो रिमाइंडर 1 जो बचा, यानी कि 2 का रेसिड्यू क्लास और 3 का रेसिड्यू क्लास का प्रोडक्ट किसके रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, 1 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होगा, समझे ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल भी आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है, एक्चुअली में ये कोई हार्ड नहीं है ना, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, तो अब जो है कि आपको इसके बाद एग्जाम्पल्स बतलाऊँगा, ठीक है, टाइप 5 का, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, लेक्चर नंबर 27 में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।